ओके सर, एक लड़की को देखा था, ऐसा लगा देखकर आ रहे, कैसी लगी मूवी? क्या बहुत ही अच्छी मूवी है। मूवी का सबसे अच्छा बात यह है कि मूवी ना प्रीची है ना ही मजाक उड़ा रही है एलजीबीटी कम्युनिटी का, बहुत ही प्रोग्रेसिव है उस हिसाब से। और एक्टिंग भी बहुत अच्छी है उस सबकी, स्पेशली अनिल कपूर की और सोनम कपूर की बेटर, मतलब मुझे नहीं अच्छी लगती है जनरली, बट सोनम कपूर की एक्टिंग भी अच्छी है क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। तो मूवी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे वे में पोर्ट्रे किया गया है एंटायर चीज़ को। तो okay, कहीं ऐसा लगा कि मूवी बोर कर रही है? नहीं, मूवी स्ट्रेच नहीं है क्योंकि लंबी नहीं है मूवी, और बीच बीच में ऑब्वियसली देयर आर सीन्स जहाँ पे वो चीज़ डेवलप हो रही है स्क्रिप्ट, तो उस हिसाब से मूवी थोड़ी सी स्लो है बट बोरिंग तो नहीं है। मतलब डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, आई थिंक शैली चोपड़ा की है, तो अच्छी मूवी है, डायरेक्शन भी अच्छी है, सोनम कपूर ने भी थोड़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो आई होप डायरेक्टर का तो हाथ होगा ही बहुत बड़ा। उसके अलावा बहुत प्रोग्रेसिव है, मस्ट वॉच है डेफिनेटली मूवी, ज़रूर देखिए जाकर। और आई थिंक मैं अपने पेरेंट्स को टिकट बुक करा रहा हूँ जो कैलकटा बैठे हैं, तो आई विल जस्ट से दैट इट्स अ वेरी गुड मूवी टू वॉच। 4.5। ओके, या प्लीज। मूवी बहुत अच्छी है, मैं यही बोलूँगा, इन दिस टाइम एंड एज एवरी वन शुड वॉच दिस मूवी, स्पेशली सीइंग अनिल कपूर प्ले रोल ऑफ अ डैड हुज गर्ल इज़ अ लेस्बियन, इट वॉज रियली हार्ट वार्मिंग, एंड हाउ ही रियलाइजेज इन द एंड दैट हिज गर्ल हैज़ गॉन थ्रू अ रियली हार्ड टाइम इन हर लाइफ, इट वॉज रियली रियली गुड। ओके, एक स्पेशल यू नो टॉपिक पर फिल्म बनाई गई है, तो कितना अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया है, स्टोरी कितनी अच्छी से पोर्ट्रे की। I think I was scared that some people might get offended seeing this movie, but it has been shown so beautifully, there's no chance for anyone to get offended. And if somebody does, I think it's a problem on their part. Okay, if we talk about the acting, who's the best in that? I think everyone has done a really good role. Rajkumar Rao is always good, and Sonam Kapoor has also done a good job in this movie. Okay, overall, what is your view on this movie? I think it's a great movie, as I said, heartwarming movie, and everyone should watch this movie. Everyone has a lesson to take from this movie. I'm not sure kitne log apne bachchon ko dikhayenge, but there's nothing offensive for kids also, but just that our society is such. Okay, kitna star dena chahiye? 4.5 or 4. Thank you. Excuse me. Hey. Hi. Bahut achhi movie thi aur bahut enjoy kiya, especially पहली बार अनिल कपूर और सोनम कपूर साथ में स्क्रीन में आ रहे, और राजकुमार राव की एंट्री एंड उसकी एक्टिंग एकदम ज़बरदस्त, और वो जो गाना था गोरेनाड़ इश्क मीठा, ओ हो गोरेनाड़ इश्क मीठा, आय हाय ओ रब्बा लगना किसे गुंजाए गोरेनाड़ इश्क मीठा, वो गाना बहुत अच्छा था। अभी देखिए ज़माना बदल रहा है, मॉडर्न इंडिया है, उस हिसाब से हम भी कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छी एकदम बनाई है, और बहुत दिल खुश हो गया मूवी देख के, एकदम नेचुरल, ऐसा मतलब नहीं देखने को मिलता है, और एक एक्सपेक्टेशन भी था कि ऐसा कुछ हो, उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल करेगी, और एक्चुअली देखिए सोसाइटी जो है उसका ही रिफ्लेक्शन सिनेमा है, सिनेमा कुछ नई नई करती है, जैसे वक्त बदल रहा है डायरेक्टर ने उस हिसाब से ही किया है, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। म्यूज़िक तो वो गाना एकदम रिफ्रेश करके गाया, और जो सिंगर है उसकी आवाज़ भी एकदम बहुत बहुत ज़बरदस्त है, और नाचने का मन कर रहा था, एकदम दिल झूम उठा। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेलर से अच्छा है, 3.5। अरे अरे इनको इसके लिए आता हूँ मैं। ओके, नॉट बैड। राजकुमार मतलब ऐसे राजकुमार नहीं, इस जूही चावला अनिल कपूर, हाँ थोड़ा गोर रखो यार, मुझे डर लगता है इससे। हाँ तू नहीं पूछे कुछ? इम्प्रेसिव, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट है स्टोरी का, तो इस इंडियन पब्लिक जो है उनको एक्सेप्ट करने में स्लोली, अब यंग जेंडर्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड, बट जो बड़े हैं उनको ये नहीं एक्सेप्ट होता है, बट इट विल टेक टाइम। ओके, अगर स्टोरी की बात करें तो ऑडियंस तक कितने अच्छे तरीके से पहुंच पाएगी? पहुंच पाएगी, ऐसी बात नहीं है, स्टोरी विल पिकअप जाएगी, दिमाग में बैठेगी। जूही चावला, जूही एंड अनिल, अनिल। ओके, बाप बेटी दोनों एक साथ फिल्म में आए हैं, तो उनकी केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहिए?
मीन्स ऐसे आपको कुछ खास तो नहीं दिखे कि बाप बेटा, क्योंकि आप सोच रहे हैं ऐसे बाप बेटे नहीं, ठीक है, ऐसे एक्टर, दोनों के एक्टर हैं, मतलब सोनम की जगह और भी कोई होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसकी जगह अनिल कपूर की कोई होता, बट दे हैव डन अ गुड एक्टिंग, मतलब ऐसे कुछ खास स्पेशल नहीं, बॉन्डिंग नहीं दिखाया गया। मैं क्या दूँ एक्चुअली, ठीक है पिक्चर ऐसे, मतलब एक्चुअली 20 लास्ट का जो पार्ट है 20 मिनट जो है, दैट इज़ गुड एक्चुअली, टचिंग वो है, उसमें आपको पूरा स्टोरी समझ आ जाती है। हाँ, टू एंड मूवी बहुत ही अच्छी थी, मेरे को सब कुछ अच्छा लगा मूवी में, इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी वॉज डन वेंट इन फिगरिंग वेदर शी लाइक्स अ गर्ल, वेदर शी लाइक्स अ गाय और वेदर शी लाइक्स अ मुस्लिम गाय, इट वॉज वेरी एम्बिगुअस, सो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग दैट वे। द अदर हाफ ऑफ द मूवी इट पोर्ट्रेड हाउ द LGBTQ कम्युनिटी स्ट्रगल्स वेन दे आर नॉट बींग एक्सेप्टेड और हाउ दे थिंक कि हम कुछ डिफरेंट हैं और पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग अस, हम लोगों को सही कर दो टाइप्स, बट टुवर्ड्स द एंड इट डिलीवर्स अ वेरी इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज दैट एवरी वन शुड एक्सेप्ट देम एज दे आर। Yeah, I accept this movie extremely well because every person did justice to their characters, to the characters they were allotted, from Sonam who was the protagonist to Rajkumar Rao to Anil Kapoor. Nowhere did we feel that he was not the center of attraction, because he was. His chemistry with his daughter, his chemistry with his mother, everything was so brilliant. Juhi and Anil Kapoor had a great on-screen chemistry. So, if you feel there was one person who stole the show, who would be? Anil Kapoor. I would say Sonam amazing, continue doing this work like of bringing out social messages through movies like Padman and now Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga. Very excited to watch another movie of yours with the same, a very different storyline maybe. Out of 5, how many stars? 4.5. ठीक ठाक थी मूवी तो। ठीक ठाक था उनका तो, बट ये जो कल्चर था जो उसमें गर्ल्स का, वो शायद एक्सेप्ट नहीं होएगा, पता नहीं अभी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो तो पता नहीं अभी, तो सब वैसा तो यूज होता है एक नहीं होता है अभी, तो उनको ही पता है वो सब चीज़ें। तो आप पर्सनली कितना रिलेट कर पाए, कुछ खास लगा आपको फिल्म में? नहीं ना, ओके ओके था। म्यूजिक कैसा था? हाँ, म्यूजिक ठीक ही था। किसे देखना चाहेंगे? नहीं। कितने स्टार आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 2 या 3। थैंक यू सो मच। को पर जो जाना नेट पर मालूम है क्या है? नहीं, मेरे को स्टोरी, अरे वो लड़की लड़की का प्यार है, जो कि इंडियन सोसाइटी का भी है। मैं बोल यार बिंदास, समझ गया ना भाई, देखता हुआ बात। कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छा था और सोनम कपूर का काम भी एकदम बढ़िया है, और अनिल कपूर और जूही चावला ने भी 18 साल बाद काम किया, दोनों का काम भी अच्छा है और एकदम मूवी बहुत अच्छा है, और इस मूवी में एक में मैसेज भी दिया है वो शायद लोगों को समझ में आना चाहिए। स्टोरी लाइन की बात की, स्टोरी लाइन कितनी इंप्रेस की आपको, कितना पसंद आई? स्टोरी बहुत अच्छी थी, शायद लोगों को समझ में आना चाहिए, और एकदम बढ़िया था स्टोरी, बहुत अच्छा। क्या आपको लगता है इंडियन सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? हम लोगों को मतलब अभी ये इंडियन सोसाइटी, मतलब अभी जो ज़माना चल रहा है उसमें समझ में लोगों को आना चाहिए, लेकिन अपने जो पेरेंट्स गुजर गए उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं, लेकिन शायद ये अच्छा है कि सब लोगों के अपने माँ बाप के लिए समझ में आना चाहिए। म्यूजिक कैसा? म्यूजिक बहुत अच्छा है। फिर से देखना चाहेंगे? यस। नो। कितने स्टार? 4 स्टार। फिल्म बहुत अच्छी है, जिस तरीके से अनिल कपूर को, राजकुमार राव को और सोनम कपूर को इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरी लाइन की बात की, स्टोरी लाइन कैसी लगी? स्टोरी भी बहुत अच्छी है, LGBT के ऊपर फिल्म बनी है और इस तरीके की फिल्म बॉलीवुड में पहले कभी नहीं आई है, तो मुझे, अगर मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सोनम कपूर अनिल कपूर एक साथ पहली बार काम कर रहे हैं, बॉन्डिंग कैसी लगी, कुछ इमोशंस दिखे? इमोशन तो दिखे, अगर अनिल कपूर किसी और के साथ भी फादर का रोल करते हैं तो वो उसी तरीके से करते हैं, लेकिन सोनम कपूर और अनिल कपूर की जो जो भी केमिस्ट्री थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म के अंदर। लगता है कि इंडियन सोसाइटी इस बात को, इस कंटेंट को एग्री करेगी कभी या कुछ? इंडियन सोसाइटी की तो बात मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हम जैसे जो यूथ है उनकी बात करें तो वो एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को। म्यूजिक कैसा था? गाना बहुत अच्छा है, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जो गोड़ी ना इश्क मिटा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना। फिर से देखना चाहेंगे? हाँ, मैं देखना चाहूँगी। 4। थैंक यू।
हाँ तो कैसी लगी मूवी? मूवी तो बहुत अच्छी थी और बहुत अमेजिंग थी। अगर सोनम कपूर अनिल कपूर की बात की जाए उनकी बॉन्डिंग कैसी दिखी, इमोशंस क्या दिखे? एक बाप बेटी का रिलेशन ही एक ऐसा होता है कि आपको उसमें ना चाहते भी आपको इमोशंस और वो बॉन्डिंग दिखी जाएगी। वैसे इस मूवी में भी था कि आप देखते ही वो फील हो जाता था कि हाँ यार वो एक डॉटर और फादर का रिलेशन ही बहुत अलग होता है। देखो ऐसे कंटेंट की स्टोरी बहुत अभी तक बनी नहीं है और जो बनी है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑडियंस पे कि वो इसे कितने जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज इंडियन सोसाइटी सच थिंक कि वो ऐसे कंटेंट को जल्दी या फिर ऐसे जो चीज़ें होती हैं उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, और ऐसे लोग भी हमारे आसपास रहते हैं, हम इग्नोर करते या फिर हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इसके ज़रिए ये दिखाने की कोशिश है कि हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मूवी का बीच में थोड़ी सी मूवी आफ्टर इंटरवल थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, बीच में थोड़ा सा आगे मूवी बहुत स्लो कर दी गई है। फिर देखना चाहेंगे? वेल अगर फिर से देखने का मौका मिले तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर देखना चाहूँगी मैं। कितने स्टार? आउट ऑफ 5 3 स्टार। थैंक यू।